गया, प्यार भी बदल गया, मां का सिंदूर गया, नन्ही मां ने आलू की नमकियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक युद्ध हुआ कि पता ही चला नहीं, पूरी सृष्टि ही गई, बेटियां चली गई। और आप आपके लिए तो एक आदमी मरा है का साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी इतना अपने बच्चे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिखाकर उसे भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी चाव से, पुत्र ना घर ना जाना, एक इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। सतीश बलिदान मांगता था, सतीश लड़ जाने को कहता था, सतीश मर जाने को, मिट जाने को, काबू कर जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, काबू कर जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम भी पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करेगा तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को तीन अंकों में गिनना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में हाथ में दो बार तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फिर पार्क में रहने वाला बच्चा कभी छाव में नंगे पांव में जब तिरंगा दिख रहा रहता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं कहा, ये उसके पेट में भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं न शिवालय को जानते हैं, तो पेट के भूखे होते हैं ना वस्तु भोजन के दीवारों को जानते हैं, अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर परिस्थिति के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये शमशान तेरा है, और भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना यही कब्र भी तेरी है, यही कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तब राहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप से वृद्धाश्रम की